हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं चोपता में। मैं अभी जा रहा हूं तुंगनाथ की ट्रैक पर और चोपता पड़ता है उत्तराखंड में और बस ये लदी ये पहाड़ आप देख रहे होंगे। यहां कैसे आ सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा, क्या बजट होगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। और चोपता में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और बहुत सारी ऐसी खूबसूरती आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो आइए मेरे साथ घूमिए चोपता। एक्साइटेड है सभी लोग, सब्सक्राइब कर देना यार भाई का चैनल। चोपता पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से चोपता 230 किलोमीटर है और हरिद्वार से आपको चोपता के लिए डायरेक्ट बस या शेयरिंग जीप के ऑप्शन कम ही मिलेंगे, इसलिए आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से ऊखी मठ होते हुए यहां पहुंच सकते हैं। चोपता की लोकेशन के बारे में गूगल मैप पर काफी कंफ्यूजन है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैप की लिंक दे रखी है। तो भाई चोपता में मैं पहुंच चुका हूं और होटल भी मैंने यहां पे ले लिया है और रूम कुछ इस तरह का है। यहां पे ये मैंने ट्रिपल बेड रूम लिया हुआ है और मैं बता देता हूं उसके बारे में भी क्यों लिया है। उसके पहले ये आप वॉशरूम देख सकते हैं, ऐसा है। और यहां पर ये इसलिए लिया है क्योंकि डबल बेडरूम अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और अच्छा भी नहीं मिल रहा था। इसका जो टैरिफ है वो 600 रुपीज़ पर नाइट का है और यहाँ पर लाइट आपको इवनिंग में ही मिलती है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है और शाम को ही यहाँ पर जो सोलर की चार्जिंग होती है उससे लाइट होती है। तो हर जगह ऐसे ही सोलर लगा हुआ है तो लाइट की तो सुविधा है नहीं, तो रात को आएगी लाइट केवल, दिन में नहीं रहेगी। दूसरी बात, कई जगहों पर ऐसा होता है कि पानी की भी सुविधा नहीं होती है दिन में, वो शाम को ही मिलता है, तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जो रूम लिया है यहाँ पर पानी वगैरह आप जब आए तो ये ज़रूर पूछ लें कि पानी की सुविधा 24 घंटा है या नहीं है, तो यहाँ पर है और भी कई जगहों पर है। और सस्ते सस्ते यहाँ पर हैं, मतलब 1000 में भी है और 800, 600, 400 में भी मिल जाएंगे आपको। चोपता में पहुँचने के बाद मैं दोपहर 1:30 बजे ही यहाँ की सबसे पॉपुलर ट्रेक तुंगनाथ और चंद्रशिला पीक के लिए निकल गया, जो कि एक ही रूट पर पड़ती है। तुंगनाथ की ट्रेक 3.5 किलोमीटर की है जबकि चंद्रशिला पीक की ट्रेक तुंगनाथ से लगभग 2 किलोमीटर है, मतलब पूरी ट्रेक 5.5 किलोमीटर की है और आने जाने के लिए टोटल 11 किलोमीटर चलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तुंगनाथ के लिए आपको 150 रुपीज एंट्री फीस भी देनी पड़ेगी। ट्रैक पर जाने से पहले 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और एक छोटा बैग रख लें जिसमें आप खाने पीने की बिस्किट, चिप्स, कुछ ऐसी चीजें रख लें। बहुत लाइट फूड रखें जो भी रखें, और खाना भी बहुत हल्का खा के चलें, ऊपर ज़्यादा कुछ ना खाएं। इवन जब अपनी आप ट्रैक स्टार्ट करें तो मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके करें, 8-9 बजे तक स्टार्ट कर दें, क्योंकि हल्का ब्रेकफास्ट करके आप जाएंगे तो नीचे आके आराम से खा सकेंगे और चलने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाकी कपड़े गर्म ज़रूर अपने साथ रखें, मतलब पहने के ही जाएं, और इतना काफ़ी है, जैकेट है और आपकी टी शर्ट है। शूज़ वगैरह नीचे देते हैं तो वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं, वैसे उतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, जब ज़्यादा बर्फ़ होती है तब ज़रूरत पड़ती है, अभी तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नॉर्मल शूज़ से भी आप चल सकते हैं। ट्रैक का जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी तरह का है पूरा,
कंक्रीट तक का रास्ता है जो मैंने पूछा है नीचे लगभग तुंगनाथ मंदिर तक ऐसा ही है, उसके बाद जो कच्चा रास्ता है वो चंद्रशिला तक का है। तो अभी इसी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको भी साथ में ले चलता हूँ। भाई यहाँ पर तो केदारनाथ मूवी में जो सीन था ना, सुशांत सिंह और सारा अली खान साथ में बैठे होते हैं और वो चाय वाला सीन होता है, तो कुछ वैसा ही याद आ रहा है। अगर आप पार्टनर के साथ आएंगे तो काफी एंजॉय करेंगे। में अपने चचेरे भाइयों और गुरु का वध करने के बाद पांडवों को आत्मग्लानि हो रही थी और भगवान शिव भी पांडवों के इस कृत्य की वजह से नाराज थे। तब पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए उनका पीछा किया तो भगवान शिव गुप्त काशी में गुप्त हो गए, पर पांडवों ने उनको पहचान लिया और फिर उनका पीछा किया और केदारनाथ में शिव जी ने बैल का रूप धारण किया और यहाँ पर भी शिव जी को पहचान कर जब पांडवों ने उन्हें छूने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने शरीर के 5 हिस्से किए जो पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिसमें तीसरे केदार के रूप में तुंगनाथ की पूजा की जाती है। That's the beauty of तुंगनाथ ट्रैक। और ये विंटर के टाइम में इतनी बर्फ मिलती है, जनरली आप अक्टूबर वगैरह में आएंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। ये सारी जो स्नो देख रहे हैं ये फ्रेश स्नो पड़ी है और ऑलमोस्ट अब आने वाला है, ट्रैक कंप्लीट होने वाला है, तुंगनाथ आने वाला है, लगभग 0.5 किलोमीटर ही बचा हुआ है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूँ बर्फ बढ़ रही है और साथ ही साथ एडवेंचर और मन की खुशी भी बढ़ी जा रही है। तुंगनाथ की ट्रैक आसान है लेकिन पूरी चढ़ाई का रूट है जहां नवंबर से मार्च तक आपको अच्छी बर्फ देखने को मिलती है। तुंगनाथ मंदिर के पास ही रहने खाने की भी सुविधा है लेकिन कोरोना की वजह से अभी सब क्लोज था। तुंगनाथ मैं लगभग 2 घंटे में रुकते रुकते दोपहर के 3:30 बजे पहुंच गया। तो भाई तुंगनाथ टेम्पल में मैं पहुंच चुका हूं और ये रहा मंदिर, बहुत ही शानदार बहुत ही प्राचीन ये मंदिर दिख रहा है और बहुत ही शांति है और क्या मैं बोलूँ कि मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, बहुत सुंदर है। और यहाँ तक पहुंचने में मुझे जो समय लगा है वो पूरा लगा है मुझे लगभग 2.5 घंटे, रुकते रुकते आराम से आया हूँ शूट वगैरह करते हुए, लेकिन आप आराम से पहुंच जाएंगे, बहुत हार्ड ट्रैक नहीं है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही अच्छे से बनी हुई है पूरी रोड, तो रूट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से आ सकते हैं। और यहाँ रहने की भी सुविधा है लेकिन अभी काफ़ी सारे क्लोज हैं, अब 1-2 आई थिंक ओपन होंगे लेकिन अभी तक मुझे ऐसे ओपन कोई दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पे रह भी सकते हैं नॉर्मल डेज में, 1000 से 1500 रुपये तक आपका लग सकता है, नॉर्मल टाइम में कम भी लग सकता है। इसके बाद शुरू हो गई चंद्रशिला पीक की चढ़ाई जो कि अब
दो किलोमीटर ऊंचाई पर था, पर इसके कोई रास्ते नहीं थे। मैं बढ़ रहा हूं चंद्रशिला पीक की तरफ। इस रास्ते में कोई नहीं है अभी तक, मतलब अभी स्टार्ट ही किया है और ये कच्चा रास्ता है और कोई इस पे दिख नहीं रहा है। सही रास्ते पे ही हूँ आई थिंक मैं, क्योंकि यही रास्ता तुंगनाथ के आगे जा रहा है। देखता हूँ पहुँच जाऊँगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ये कहाँ आ गए हम? ये देखिए चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है और ऊपर एक चोटी है, शायद यहाँ से आपको ना दिखे, मुझे दिख रही है। उसी चोटी तक अब जाना है, लगभग आधा घंटा और लगेगा और पहुँच जाऊँगा। तुंगनाथ से चंद्रशिला पीक की जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर की है और 1 घंटे के अंदर आप आराम से पहुंच जाएंगे। रास्ते कुछ इस तरह से हैं। चंद्रशिला पीक तक पहुंचने का रास्ता एडवेंचरस था और स्लिप होने का भी काफी डर था, लेकिन 45 मिनट में ही मैं पीक पर पहुंच गया। स्वागत है आपका चंद्रशिला पीक पर। चंद्रशिला पीक 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पीक माउंट एवरेस्ट की लगभग आधी है। और चंद्रशिला पीक की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि राजा दक्ष की 27 कन्याओं में से एक रोहिणी से चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम हो गया था, जिससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। उसी श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की यहां पर तपस्या की थी, तब से इस स्थान का नाम चंद्रशिला पड़ गया। इतने ऊपर चंद्रशिला पीक पर आकर रास्ते में तो मुझे कई सारे मिले, बट यहां पर टॉप पर मिले। हिमांशु जी कहां से आए आप? मैं आया हूं देहरादून से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने ऊपर आकर भी मुझे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई बात ही, मिलेंगे वीडियो पे। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा, हेवन है। हाँ, बात है। तो है ये। हाँ, तो है। आप मसूरी जा रखे हो, देहरादून भी आ रखे हो, मैंने सारी वीडियोस देखता हूँ, बल्कि मैंने डाउनलोड करके घर भी लेके आया। अच्छा अच्छा। हाँ, सबको दिखाता हूँ, भाई को भी दिखाता हूँ। ओके थैंक यू। अब यहाँ की भी आएगी, आपके साथ भी आएगी मेरी। हेलो मैं भास्कर भट्ट। भास्कर भट्ट जी, आप कहाँ से? बागवान से। बागवान? टीरी। अच्छा, ये इधर ही के उत्तराखंड के ही। चोपता में मुझे नीचे तो जियो का केवल एक पॉइंट सिग्नल मिल रहा था और नेट भी नहीं चल रहा था, पर तुंगनाथ चंद्रशिला पीक की ट्रैक में पूरे टाइम फुल नेटवर्क था। चोपता में बीएसएनएल का सिम सबसे अच्छा वर्क करता है। चंद्रशिला पीक से लौटते हुए मुझे शाम हो गई और मुझे दिखी हिमालयन मोनाल बर्ड, जो कि उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। अंधेरा हो चला था और टॉर्च के सहारे जल्द ही नीचे पहुंचकर मैं खाने के लिए यहां की 2-4 दुकानों में से एक में चला गया। चोपता में मैंने यहाँ पे दाल फ्राई ली है और रोटी ली है, और जिसका यहाँ पे प्राइस है 120 रुपीज़ है, और रोटी अगर लेते हैं तो 10 रुपये पर पीस के है। रोटी का साइज़ अच्छा है बट मैदे की है, मिलेगी। ये टेस्ट करता हूँ, दाल की क्वांटिटी तो अच्छी है 120 में, अच्छा है खाना, अच्छा है। और यहाँ पे अगर कढ़ाई पनीर वगैरह लेते हैं या मिक्स वेज लेते हैं, मिक्स वेज 150 का है, कढ़ाई पनीर 250 का है। खाना टेस्ट से मिलेगा। आज की सुबह मुझे जाना था देवरिया ताल के लिए,
जिसके लिए मैं सुबह 8 बजे ही निकल पड़ा। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं निकल रहा हूँ देवरिया ताल के लिए। रात को हल्की स्नोफॉल हुई है और ये देखिए मेरी स्कूटी पे बर्फ जम गई है, पूरी सीट पे बर्फ जम गई है। ये पानी डाल के ही निकलेगी, इसलिए मैंने बोतल ले ली है। हालांकि पानी पीने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। चोपता से बहुत ही धीरे धीरे मैं स्कूटी चला रहा था, क्योंकि रास्ते में बर्फ पड़ी थी और स्लिप होने का खतरा बहुत था। आप चाहें तो चोपता के पहले बनिया कुंड में भी स्टे कर सकते हैं। बहुत से लोग उखी मठ में भी स्टे करके यहाँ की डे ट्रिप करते हैं। ये पूरा रास्ता उतरने का था और 1 घंटे में ही मैं पहुंच गया देवरिया ताल के ट्रेक रूट के पास, जो कि सारी विलेज में है। देवरिया ताल के ट्रेकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है और पूरे 2.3 किलोमीटर का ये ट्रैक होता है और इसको पूरा करने में आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ट्रैक के स्टार्ट में ही लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद आपको प्राचीन शिव नारायण मंदिर भी देखने को मिलेगा। देवरिया ताल के ट्रैक अभी तक कोई खास हार्ड नहीं है और आराम से ही मैं चल रहा हूँ। चढ़ाई रेगुलर है और आपको थोड़ी सी थकावट लगेगी, तो आप रुक रुक के आएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रास्ते से व्यूज आपको बहुत ही अमेजिंग दिखेंगे। इस ट्रैक में पूरे रास्ते आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने पीने की दुकानें वो मिल जाएगी। देवरिया ताल में एंट्री फीस भी लगती है, जिसके लिए एडल्ट्स को 150 रुपीस और स्टूडेंट्स को 75 रुपीस देने पड़ते हैं। देवरिया ताल आने में मुझे टोटल 1 घंटे का समय लगा है। 10 बजे मैं स्टार्टिंग किया था चढ़ाई की और 11 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और रुकते रुकते आया हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और आराम से ही आप पहुँच जाएंगे। रुकते रुकते आएंगे तो 1.5 घंटे में तो बहुत आराम से पहुँचेंगे और मतलब फिर आकर यहाँ पर आराम से आप 1.5 घंटे 1 घंटे बिता सकते हैं। चोपता में खाने पीने रहने के बिल्कुल ही लिमिटेड ऑप्शन है और आपको कॉटेजेस में ही रहने को मिलेगा। साथ ही यहाँ लाइट भी नहीं आती है, केवल रात को सोलर चलते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो पूरे साल आ सकते हैं, लेकिन जनवरी में तुंगनाथ की ट्रैक कभी कभी क्लोज होती है। लेकिन नवंबर से मार्च में आपको यहाँ सबसे अच्छी स्नो देखने को मिलेगी। बाकी टाइम में भी आप यहाँ खुला आसमान अच्छे व्यूज के साथ देख सकते हैं। बस मॉनसून में यहाँ आना अवॉइड करें, जो कि जून से अगस्त तक होता है। चोपता में घूमने के लिए 1 दिन स्टे करना बहुत है और यहाँ पर आपका होटल का 500 रुपये, खाने का 700 रुपये और एंट्री फीस का 300 रुपये लगेगा। मतलब 1500 से 2000 रुपए में आप यहां की ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन मेजर खर्चा आपका यहां पहुंचने का लगेगा। और आप यहां शेयरिंग जीप से भी आ सकते हैं, जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश या हल्द्वानी से मिल जाएगी, लेकिन आपको बीच बीच में बदलनी भी पड़ सकती है, तो उसका आपका आने और जाने का 1500 से 2000 रुपए तक लग सकता है। और अगर आप बाई कार हरिद्वार से आते हैं तो 10 से 15 हजार तक लग सकते हैं। मतलब बाई कार यहाँ आते हैं तो 4-5 लोग, कार शेयर करते हैं तो 4 से 5 हजार में
आप यहाँ घूम लेंगे। और शेयरिंग जीप से भी आते हैं तो आपके 4,000 से 5,000 तक पर पर्सन लग जाएंगे। सोलो ट्रैवलर्स के लिए स्कूटी से भी इतने ही खर्च हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन कार का ही होगा अगर 4-5 लोग हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।